हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समझ रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ MIUI 12 अपने डिवाइस पे आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये ग्लोबल स्टेबल अपडेट है, हैक या फिर रिकवरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, OTA अपडेट है जो मैं अपने K20 डिवाइस में आपको इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ। साथ ही मैं दोस्तों इसका क्विक ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा जो एड ऑन फीचर्स है इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं ऑन द ऑफिशियल अपडेट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो सेटिंग्स में जाते ही अगर अपडेट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है MIUI 12। ये स्टेबल अपडेट है, इसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो इसे मैं जस्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ। वेल इट इज़ इंस्टॉलिंग गाइस, आपको बता दूँ मैंने टॉप 5 लैपटॉप्स अंदर 50,000 और 40,000 के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यूज़ है और सारा डेटा टेक्नीशियन से कन्फर्म करके आपको बताया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लैपटॉप्स परचेस करने में एंड इफ यू मिस दैट वीडियोज़ तो आप उसे देख सकते हो, आई बटन डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक्स दे रहा हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं MIUI 12 अभी इंस्टॉल हो चुका है इस डिवाइस में एंड इट इज़ बूटिंग अप फॉर द फर्स्ट टाइम। बूट होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ चेंज लॉग्स जो है यहाँ पर डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर ये यहीं पर डिस्प्ले हो रहे हैं। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट की कि काफ़ी स्लो प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लैग हो रहा है। मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है इस फ़ोन को, स्टिल इट इज़ लैगिंग अलॉट। लेट्स गेट डन विथ इट नाउ एंड हियर इट इज़ गाइस, इट इज़ नाउ रेडी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये MIUI 12 वर्जन पे अभी रन हो रहा है, एंड्रॉयड 10 वर्जन इस पे है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें जो है वो ग्राफिकल अपडेट है। आप देख सकते हो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ये थोड़ा सा डार्क टिंज में आ रहा है, रीज़न इज़ मैंने इसे डार्क मोड में अभी ऑन रखा है। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग्स में आप देख सकते हो ग्राफिकल चेंजेस आ चुके हैं। एक्चुअली गाइस सेटिंग्स में इन ग्राफिक्स का कोई भी मतलब नहीं है, इट इज़ यूजलेस फीचर, बट स्टिल एज अ चेंज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन में भी इसके अपडेट्स है। पहला जो चेंज है जिसमें आप अलग अलग नोट्स को कंबाइन कर सकते हो, इंडिविजुअल नोट्स को और फोल्डर के फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हो, एंड सेकंड इज आप वॉइस नोट रिकॉर्ड यहाँ पर कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से दो अपडेट्स इन नोट सेक्शन आपको मिलते हैं। कैमरा में दोस्तों आप देखोगे तो इसका भी UI चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने को मिल रहे हैं इन द मोड्स इटसेल्फ काफ़ी कम है, बट मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सारे मोड्स डिस्प्ले होते हैं। यू कैन सिलेक्ट विच वन यू वांट इन द मेन इंटरफेस। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा है, बिकॉज मैं सारे मोड्स यूज़ नहीं करता था कैमरा में, सो विच आई यूज़ उसे ही मैं यहाँ पर मेन मोड में रखूँगा। नेक्स्ट कैमरा के सेटिंग्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पर बाहर से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, यू नीड नॉट टू गो एवरी टाइम इन द मेन डिटेल्स। कैमरा क्वालिटी है उसके बारे में मैं तुरंत कमेंट नहीं कर सकता, आई नीड टू यूज़ इट थरोली, उसके बाद मैं अपना व्यू इस पर दे सकता हूँ। नेक्स्ट गाइस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इसमें चेंजेस आ चुके हैं, ऐसे अपडेट लॉग में दिया है, बट मुझे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आया। कोई भी नया अच्छा ऑलवेज ऑन वॉलपेपर यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आ रहा है, सब पुराने ही लग रहे हैं। एक आध दूसरा नया हो सकता है, बट गाइस मेजर कोई भी यहाँ पर ओवरऑल नहीं किया गया है, सो दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट। पॉजिटिव चेंज के बारे में बात करें गाइस, तो सबसे बढ़िया चेंज हुआ है फिंगरप्रिंट सेंसर के स्पीड में। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के स्क्रीन पर रहते हो और आप अनलॉक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो काफ़ी इंस्टेंटली अनलॉक हो रहा है। पहले MIUI 11 में थोड़ा स्लो था, और अगर आप लॉक बटन प्रेस करके यहाँ से इसे अनलॉक करते हो तो ये और भी स्पीडी अनलॉक देता है आपको, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। मेजर ओवरऑल जो हुआ है गाइज, इसके जो नोटिफिकेशन पैनल है इसमें किया गया है। सो पहले दोस्तों कैसे होता था, अगर आप नीचे स्वाइप करते थे फिंगर तो एक नोटिफिकेशन बार जो रहता था इंटीग्रेटेड था वो नीचे कोलैप्स होता था, जिससे आप जो क्विक टॉगल्स है उसे एक्सेस कर सकते थे, साथ ही में नोटिफिकेशन वहीं पर आता था आपको। बट अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं नीचे स्वाइप करता हूँ तो सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल ही यहाँ पर नीचे आता है, बट अगर आपको टॉगल मेन्यू एक्सेस करना है तो आपको ऊपर से इसे स्वाइप करना होगा। ये मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट फीचर लगा है, बिकॉज ये फ़ोन जो है 6 इंचेस प्लस का है और ऊपर तक रीच करना हमेशा के लिए इजी नहीं रहता। सो नीचे से स्वाइप करके टॉगल मेन्यू आता था, तो दैट वाज वेरी हैंडी। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो टॉगल मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, इसे नीचे कोलैप्स करोगे तो और भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन्हें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इस बटन की मदद से, एंड आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनमें नोटेबल आपको मैं सिर्फ बता दूँ तो सबसे पहला है डार्क मोड, तो आपको डार्क मोड यहीं पर से ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, कम्प्लीट सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट जो है बैटरी सेवर मोड है, ऑलरेडी इसमें एक बैटरी सेवर मोड आता था विच वॉज वेरी कन्वीनियंट, अभी दोस्तों इसमें अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी आ चुका है। आप देख सकते हो इसे ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाता है फ़ोन का, और ये ऑन करने के बाद 177 आर का बैकअप ये यहाँ पर बता रहा है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू फेच दैट 177 आर बैकअप, बट यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बता रहा है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐप ड्रॉअर या फिर एक्स्ट्रा टैब नहीं मिलते, जो भी एप्लीकेशंस यूजेबल है यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अप टू 6 एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पर ये नज़र आएंगे आपको। फॉर्चुनेटली गाइज नोटिफिकेशन ऐप जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड फाइनली गाइज आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो बाय क्लिकिंग हियर।
एंड दैट्स इट गाइज। ये मुझे गाइज हैंडी मोड लगा है इन केस अगर आपको बैटरी सेविंग की ज़रूरत है और आपके पास चार्जर वगैरह नहीं हो एट दैट मोमेंट, तो आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस इसमें फोकस मोड करके भी है, तो ये आप जब ऑन करते हो तो यू कैन सिलेक्ट द ऐप विच यू डोंट वांट टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ। सो अगर आप स्टडीज कर रहे हो या फिर किसी मीटिंग में हो तो यू कैन सिलेक्ट द ऐप ऑलरेडी और इसे ऑन कर सकते हो, तो उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आपको पॉपअप नहीं होंगे फोन में, मीनिंग आपको कोई भी डिस्टर्बेंस उन ऐप की वजह से नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑन DND मोड जो कंप्लीट एक्टिविटी ब्लॉक करता है, ये बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर मिलता है टू कस्टमाइज। अभी दोस्तों दो ड्रॉबैक यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा या दो लिमिटेशंस अभी फिलहाल के लिए मुझे नज़र आए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ये फ्लोटिंग विंडोज़ का ऑप्शन है। ये फीचर जो है गाइस YouTube पर काफ़ी सारे यूजर्स ने पोस्ट किया था प्री लॉन्च ऑफ दिस ग्लोबल स्टेबल अपडेट, बट अभी आप देख सकते हो ये ग्लोबल स्टेबल अपडेट पे ऑफिशियल अपडेट पे है और मैं इस फीचर को यूज़ करना चाहता हूँ बट ये ऑन नहीं हो रहा है गाइस। आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऐप्स में इसे ट्राई कर रहा हूँ, इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम द टॉगल मेन्यू और डायरेक्टली फ्रॉम द रिसेंट ऐप, ये ऑन नहीं हो रहा है गाइज। ये अभी के लिए सॉफ्टवेयर बग इसमें मैंने नोटिस किया है। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज इसके जो रिव्यूज थे कह रहे थे कि ये काफ़ी फ्लूइडिक है कम्पेयर टू द MIUI 11, तो ऐसा मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। फ्लूइडिटी है गाइज इसकी जो स्मूथनेस है वो थोड़ी कम है कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन, यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में क्लियरली देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कोई भी बैकग्राउंड ऐप ओपन नहीं है, सारे फ्री मेमोरी है, 6GB रैम है इसमें, बट स्टिल गाइज आप देख सकते हो स्टटरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था गाइज, ये काफ़ी स्मूथली ऊपर नीचे हो जाता था, काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन था, बट नाउ इवन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन आप देख सकते हो स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, स्टटरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।